धन्यवाद। मैं संबोधन करने लायक तो नहीं हूँ, तीन चार चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो आज सारा दिन आपका साथ रहा, इस चैनल के साथ भारत के लोग जुड़े हुए हैं। जब मैंने इस चैनल शुरू की थी तो मैंने कहा था कि हिंदी में बोलने का प्रयास करूँगा। वैसे छोटे से मैं आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ, पूरे भारत में मेरी परवरिश हुई, हिंदी में भी मतलब काफ़ी आदत थी, मगर 15 से 20 साल अंग्रेजी पत्रकारिता में रहते रहते मेरी जो भाषा है वो भाषा मतलब टीवी में बोलने लायक नहीं रही, मगर भारत के लोगों ने माफ़ कर दिया मुझे। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने हिमंत दा को आज कहा कि मेरी हिंदी साफ नहीं है, मगर मेरी और ये पूरे चैनल और नेटवर्क की नीयत सबसे साफ है। और वही एक नियत है राष्ट्र सर्वोपरि। ये राष्ट्र सर्वोपरि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए कोई बिजनेस नहीं है, ये हमारी सोच है और इसके लिए हमने प्रयत्न, परिश्रम और सैक्रिफाइस की है। इसके लिए हमने ठोकर खाए हैं, मगर हम कभी झुके नहीं। मुझे आज ये कहने में कोई हिचक नहीं है, आप सबको पता है, भारत के लोगों को पता है कि पिछले 2 साल से, आज से 2 साल पहले हर तरह से कोशिश की गई कि किसी तरह से इस नेटवर्क को बंद करिए। मैं सवाल पूछता हूं आज भारत के लोगों को कि नफरत क्यों करते थे वो रिपब्लिक भारत से, क्या गलती की हमने? क्या ये गलती थी हमारी कि हमने सब कुछ साफ साफ रख दिया? जिस दिन रिपब्लिक भारत का लॉन्च किया, आपको याद होगा, हमने लालू प्रसाद यादव के सीक्रेट टेप्स दिखा दिए कि शहाबुद्दीन के साथ जेल में बात कर रहे थे और कह रहे थे पुलिस वालों को कि भाई पुलिस वालों इनको तंग मत करो, ये हमारे खास लोग हैं। जेल में थे वो और लालू प्रसाद जी, वो उनकी सरकार चल रही थी, किसी चैनल में हिम्मत नहीं थी वो टेप दिखाने की। क्या वो टेप नहीं थी? टेप तो बहुत लोगों के पास थी। देखिए दोस्तों, सच्चाई बहुत लोगों के पास होती है, मगर सच्चाई दिखाने के लिए जिस दृढ़ता से सोच होती है कि मैं सच्चाई दिखाऊंगा, उसकी कोई भी मतलब रिएक्शन आ जाए, मगर हम दिखाएंगे। क्या गलती थी हमारी? मैंने आज कहा किसी से, आज अनुपम खेर जी से, जब मैं फ्लाइट पे आ रहा था, मैंने कहा थी वो मीडिया, मुझे लोग, वो जो जिनको मैं लुटियन की मीडिया कहता हूं और आज मैं दिल्ली में खड़े होकर कह रहा हूं लुटियन की मीडिया, वो हमें पत्रकारिता सिखाना चाहते हैं। वो पूछते हैं ये अर्णब गोस्वामी कौन है भाई, कहां से आया, ये पत्रकारिता सिखाएगा मुझे, ये सिखाएंगे हमें पत्रकारिता? तो मैं पूछता हूं आज खुलकर रिपब्लिक भारत के मंच से, हमने चैनल शुरू किया और हमने कहा हम राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, और आपने क्या किया? सनसनी, सास बहु साजिश, नागिन डांस, सांप सीढ़ी, ये कहां की पत्रकारिता थी भाई? और खुलकर कह रहा हूं, जब उनको पता चला कि रिपब्लिक नेटवर्क से हिंदी चैनल आने वाला है, तो नाम नहीं लूंगा आज, क्योंकि ऐश्वर्य के रोंगटे खड़े हो रहे, बोल रहे कि ज्यादा बोल रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, मगर मैं कहूंगा कि हमारे मीडिया जगत के जितने पूंजीपति थे, उन्होंने मुझे फोन किया था कि भाई कुछ भी कर लो, अंग्रेजी में रहो, हिंदी में मत आओ, क्योंकि अगर हम नहीं आते, आज भी वही नागिन डांस होती, कोई पालघर के साधुओं के बारे में सवाल नहीं उठाता। और उन्होंने सोचा था इनको टॉर्चर करो, इन पे झूठे आरोप लगाओ, इनको जेल में डाल दो तो ये टूट जाएंगे, इनकी आर्थिक अवस्था इतनी बुरी हो जाएगी। अरे अर्णब गोस्वामी कोई पूंजीपति थोड़ी है, एक साल में क्या, एक हफ्ते में इस चैनल को बंद करा देंगे? क्या वो बंद करा पाए? आज 2 साल हो गए। आज सवाल पूछे लोग कि कहां है वो लोग जिन्होंने कहा था कि भाई ऐसी हालत कर देंगे इनकी कि इनको आत्महत्या करनी पड़ेगी। मैं तो उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, सारे लोग जेल में बैठे हुए। भारत के लोग हमारे साथ हैं, और अगर ईश्वर की इच्छा हो, क्योंकि मैं इसको बहुत मानता हूं, अगर ईश्वर की इच्छा हो तो जिस दिशा में हम चल रहे हैं, उस दिशा में कहीं ना कहीं भारतीय पत्रकारिता को पूरे विदेश में इसको ले जाने का हमारा कर्तव्य है।
और ये बात मैंने आज नहीं कही, मैं बहुत मामूली मध्यम वर्गीय फैमिली से आता हूं, इसलिए लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। आज आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 में फाइनेंशियल टाइम्स लंदन के जो एशिया के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, इन्होंने मुझे फोन किया कि अर्णब जी आप पर एक आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, किस पर? नहीं, आप कहते रहते हैं ना कि आप ग्लोबल चैनल लाना चाहते हैं, हम उस पर इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कागज का नाम ले रहा हूं, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन है। हम मैं गया, मैंने इंटरव्यू दी, मैंने सोचा, मैंने कहा, मेरे मन में जो बात थी मैंने कही, और मैंने सीधे तरीके से कहा था कि ये होगा। उन्होंने पूरा एक पेज का आर्टिकल निकाला वहां पे, और जो बात मैंने बहुत सीरियसली कही थी उसका उन्होंने व्यंग, कटाक्ष, सार्केज्म और हंसी मजाक में उड़ाने की कोशिश की 2014 में। तो मुझे लगा ये अंग्रेज समझते हैं कि मीडिया जगत पूरे विश्व में उनकी कॉलोनीज तो नहीं चलती, हम सब तो आजाद हो चुके हैं ना, मगर उनको लगता है कि इन द माइंड दे हैव द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर के दिमाग के कंट्रोल, थॉट कंट्रोल, नैरेटिव कंट्रोल वो अभी भी कर सकते हैं लंदन में बैठ के बीबीसी के माध्यम से। और मैं आज कहना चाहता हूं वो बात मैंने 2015 में कही और बहुत सीरियसली कही, क्योंकि मुझे बुलाया गया था मॉस्को में, रशिया टुडे का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, अलजजीरा, सीएनएन, बीबीसी सबके बड़े बड़े एडिटर्स थे, और जिस तरह से पेट्रनाइजिंग तरीके से हमसे बात कर रहे थे, पेट्रनाइजिंग यानी कि हिंदी तो ठीक नहीं, मतलब नीचे देख के बात कर रहे थे। और मैंने उस समय कहा था हेजेमनी ऑफ द वेस्टर्न मीडिया हैज टू एंड, आप हो सके तो उसको देख लें। और मैंने उनको उनकी भाषा में, उनके तरीके और उनके फैक्चुअल बेसिस को लेके मैंने कहा था हेजेमनी ऑफ वेस्टर्न मीडिया हैज टू एंड, यानी कि पश्चिमी मीडिया का जो एक दबदबा है, हम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक पश्चिमी मीडिया के दबदबे को हम भारतीय स्टाइल में, भारतीय संस्कृति से, भारत के धरती से हम इसको चैलेंज नहीं करते। और मैं आज खुलकर कह रहा हूं हम नहीं जानते कैसे होगा, मगर मैंने कुछ भी सोच के कभी कहा नहीं है, नहीं तो मैं तो रिपब्लिक शुरू ही नहीं करता, पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं था। मगर मुझे आशा है, विश्वास है कि जब हम ये शुरू करेंगे, इसमें आप सब लोग, मैं हाथ जोड़ से आप सब लोगों से समर्थन चाहूंगा, हमें ना पैसा चाहिए ना कुछ, मगर हमें विश्वास चाहिए भारत के लोगों का कि ये हो सकता है। और मैं पूरे जितने हमारे देश के नौजवान पत्रकार हैं इनको लेकर हम इसको कोशिश करेंगे, और इस चैनल, इस नेटवर्क के ऑफिसेज पूरे दुनिया भर में होंगे, यही हमारी जो हमारी कमिटमेंट है हमारे देश के लिए वो आगे ले जाएंगे। दोस्तों मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मंजिलें बहुत हैं हमारे लिए, राष्ट्र सर्वोपरि एक सिद्धांत है जिस पर किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।